जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इरफान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गपशप विद इरफान खान। जी तैयारियां मुकम्मल। आज मेरे साथ हैं फरहान खान, मेरा छोटा भाई, ये ट्विंस हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है, दूसरा भी अभी अदनान आ रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुल्तान सिटी में, नमल में जो है ये बीएस कर रहे हैं और अभी इनकी जो है वो विंटर हॉलीडेज़ नहीं हुई। तो मैंने कहा चलें आज आपको यूनिवर्सिटी एक तो ड्रॉप कर देते हैं और दूसरा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं मुल्तान को। पहले भी आपको दिखाया, आज कुछ कोशिश करेंगे कोई नई चीज़। लेकिन आज एक शादी भी अटेंड करनी है, मेरे जो है वो सीनियर हैं, हमारे बॉस हैं, डीन ऑफ सोशल साइंसेस डॉक्टर शफीक आसिफ साहब। आज उनके बेटे की शादी है, आज बारात है और कल वलीमा है, तो वहाँ हाज़िरी लाजमी है। सर वेट में है और मैंने अपने पुराने टीचर्स को भी मिलना है, कोशिश करूँगा आज मुलाकात हो जाए और आपको भी मिलवाएंगे। जिन व्यूवर्स ने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपको मुल्तान सिटी में। जी व्यूवर्स, तो हम लोग जा रहे हैं मुल्तान शहर की तरफ। इस रोड को मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड भी कहते हैं और अभी हम अहमदपुर से निकले हैं, आपने रंगपुर का सुना होगा, उस साइड पे जा रहे हैं। जी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पांचक। ये जो आबादी आप देख रहे हैं सामने, ये टोटल 80% 90% जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, माइनॉरिटी हमारी। हम क्रॉस कर रहे हैं जी जॉइना बंगला। यहाँ ये दो बड़े फेमस स्टॉप हैं, एक यास्मीन बंगला और जॉइना बंगला। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के नाम पे जो है ये इलाके हैं और अभी जो है ये हदूद जो है ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की हदूद है। हम लोग पहुंच गए हैं जी रंगपुर खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की हदूद। जैसे मैंने आपको बताया तो बड़ा ये मशहूर इलाका है और मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे चाहने वाले रंगपुर वाली साइड से, उन सबको सलाम। बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते हैं हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर शहजाद भाई वेला मुंडा, उनका घर इस रोड पे आता है। आप अगर आगे जाएं तो चौक सरवर शहीद आता है, तो वहाँ उनका घर है। व्यूवर्स, ये जो एरिया है, इस एरिया की एक खासियत ये है कि यहाँ फिशिंग फार्मिंग का बड़ा जो है ज़बरदस्त बिजनेस है। ये रोड के इस तरफ जो है आपको ये रंगपुर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक आपको सैकड़ों की तादाद में जो है वो फिशिंग फार्मिंग नजर आएगी। और मेरी अगर ये लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो ये बंद है दरिया का, इससे आगे जो है वो दरिया चनाब हमारे साथ साथ आ रहे हैं, रावी और चनाब। तो हम लोग जा रहे हैं मुल्तान की तरफ और ये जो एरिया है ये अगर आपको याद हो तो मियां वाली साइड से स्टार्ट होता है थल का रेगिस्तान। ये वही पट्टी है थल वाली जो ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और फिर से आगे चली जाती है, तो हम उसके बीचों बीच जो है ये जा रहे हैं मुल्तान की तरफ। तो अगर आपको याद हो तो जब हम बावलपुर गए थे, एक बावलपुर वाली पूरा एपिसोड है, वापसी भी हमने इस होटल पे खाना खाया था, पाकिस्तान होटल। तो बड़ा ज़बरदस्त होटल है और खाना बड़ा अच्छा था। आज हम जो है वो बड़े मशहूर हैं अब्बा हजूर चाचा जी के, अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब, उन्होंने आज हमें टाइम दिया और हमें वो कंपनी देते जा रहे हैं। और साथ हैं जनाब अदनान खान, अदनान खान भी जो है आज हमें टाइम दे रहे हैं।
उस समझ लें कि मुल्तान की हदूद में दाखिल होने वाले हैं। रिवर्स जो सीधा रोड है ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाता है और आप मियांवाली रूट की तरफ भी टर्न हो सकते हैं। जितनी भी मियांवाली की ट्रैफिक आती है अब वो इसी वाया इधर जो है वो बाईपास पे टर्न, और ये जो है हैट मोहम्मद वाला ब्रिज की तरफ हम जा रहे हैं यानी मुल्तान की तरफ। ये मुल्तान से आगे ऑनवर्ड आप खानेवाल लाहौर की तरफ जो है ये जा सकते हैं, और इसका क्रेडिट जो है वो 2008 वाली गवर्नमेंट को जाता है। उस टाइम पीएम गिलानी साहब थे यहाँ पर, तो उन्होंने ये इनिशिएट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हेड जो है ये पुल बना, ब्रिज बना। पहले ये इस साइड की ट्रैफिक सारी जो है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और फिर वहाँ से मुल्तान जाती थी, तो खासा टाइम लगता था, तकरीबन 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता था। अब जो है उससे ये फासला सिमट गया है, अब आप अहमदपुर से 40-45-50 मिनट के आराम से इधर पहुँचे। व्यूअर्स तो हम लोग अभी चनाब पुल क्रॉस कर रहे हैं हेड मोहम्मद वाला, तो रावी रिवर चनाब रिवर जो है इसी पुल जो है वो नीचे से जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्तान इंटर हो चुके हैं। जी ये है नॉर्दर्न बाईपास यूनिवर्सिटी रोड, हम जाएंगे शाहरुख़ आलम। जी इस वक्त हम हैं चौक कुमारा चौक, हमने क्रॉस किया है और हम जा रहे हैं शाहरुख़ आलम टी चौक की जानिब। हैं जी जिना पार्क के साथ साथ जा रहे हैं मुल्तान का बड़ा फेमस पार्क। हम हैं इस वक्त 100 फुटी रोड पे, ये जिना पार्क जो है बड़ा फेमस पार्क है। हम पहुंच रहे हैं जी टी चौक शाहरुख़ आलम, यकीन करें बड़ी यादें हैं इस जहां पर टाइम गुजरा। तो सबसे पहले तो मेरे तमाम मुल्तान के चाहने वालों को व्यूवर्स को सलाम, और इसके साथ साथ जो है मेरा बहुत ही प्यारा भाई दोस्त, मैं कभी कभी जिक्र भी करता हूँ, इमरान ख़ान। इमरान ख़ान का पहला घर यहाँ टी चौक पे था, अभी वो शिफ्ट हो गए हैं स्मार्ट इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी में। इमरान भाई जो है आजकल लैटिन अमेरिका चिली में होते हैं। लाला इमरान देख लें, आपका सलाम टी चौक को शाहरुख़ आलम को मैंने पहुँचा दिया है। इमरान भाई, लाला इमरान चिली से आपका सलाम जो है टी चौक शाहरुख़ आलम को पहुंचा दिया है, आपकी तो फिर यादें हैं यहाँ पे, तो हम भी आपको यादों में जो है समेटे हुए हैं। हम तो पहुंच आए हैं शादी वाली जगह पे, तो अभी आपको मिलते हैं, अभी सर के वेट में हैं, सर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारात पे जो है वो हाजिरी लगवा ली। अभी हमारे गेस्ट आए हुए हैं डॉक्टर जफर साहब, हमारे डॉक्टर अंसर साहब।
जी हम लोग जा रहे हैं कैंट की तरफ और डॉक्टर साहब और बाकी लोग भी इसी तरफ आ रहे हैं। हम थोड़ा पहले निकल आए थे, उन्होंने थोड़ा रेस्ट करना था तो हमने सोचा चलें हम तो ये जो काम थे वो करने थे वो हो गए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो हम लोग जा रहे हैं झील की तरफ क्योंकि पहली दफ़ा आए हैं डॉक्टर साहब मुल्तान। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में इनको थोड़ा बहुत जो हम दिखा सकते हैं। तो अभी हम अस्करी झील जो है इनको विज़िट करवाते हैं और आपको भी दिखाते हैं मुल्तान की अस्करी झील। जल्दी जल्दी में हम रैपिडली जो है अपनी जो है घूमना फिरना पूरा कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब पहली दफ़ा हैं और हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम उनको जो है मुल्तान दिखाएं। तो अभी मैकडॉनल्ड आए थे, थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का कोई रिफ्रेशमेंट किया है तो आप आगे हम कैंट की जानिब चलते हैं। जी हम लोग पहुँचे हैं जी कैंट। जी प्लान चेंज हो हुआ है और अभी हम जाएंगे मुल्तान कासिम फोर्ट। कासिम फोर्ट किला जो है मुल्तान का, उसका अब विज़िट करते हैं एक शॉर्ट सा। जी अभी हम कासिम फोर्ट में मौजूद हैं और वहाँ की आर्ट गैलरी को देख रहे हैं और अभी हम ऊपर जाएंगे दमदमा। ये दमदमा कासिम फोर्ट का सबसे हाइट वाला पॉइंट है जहाँ से पूरे मुल्तान को आप देख सकते हैं। जी अभी हम जा रहे हैं शाहरुख आलम दरबार की ज़्यारत के लिए। जी तो अभी हम इस वक्त कासिम फोर्ट पे खड़े हैं शाहरुख आलम दरबार पर, अभी दरबार की ज़्यारत की और इसकी तारीख मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, मज़ीद भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बहुत सारी हस्तियाँ हैं स्पिरिचुअलिटी के हवाले से यहाँ पर जिन्होंने बरसगीर में आकर जो है इस्लाम को बोलबाला किया और यहाँ इस्लाम की जो है वो रोशनी फैलाई, उनमें शाहरुख आलम और बहाउद्दीन चिश्तिया का नाम शहर फहरिस्त है। तो अभी जो मेरे गेस्ट आए हुए हैं उनको भी जो है दरबार की ज़्यारत करवाई और आपको भी इसी वसत से जो है वसीलत से जो है हम शाहरुख आलम पर लेके आए हैं। अभी हम जो है आए हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़िकरिया के मज़ार पर और मैं आपको बताता चलूँ शाहरुख आलम और हज़रत बहाउद्दीन ज़िकरिया के बारे में। हज़रत बहाउद्दीन ज़िकरिया दादा थे और इनके पोते जो थे वो शाहरुख आलम हैं और मुल्तान की पहचान जो सूफ़ी इज़्म के हवाले से है, बुज़ुर्गान दीन के हवाले से है, उनमें ये दो नाम काबिल फ़हरिस्त हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़िकरिया और शाहरुख आलम। जी व्यूअर्स आप मुल्तान आए और मुल्तान के सोन हलवे की बात ना हो, मैं इस वक्त खड़ा हूँ
सेनागाई चौक पे, और यहाँ का सबसे रवायती और कदीम जो सोनम आपको मिलता है वो इसके पीछे रिवाड़ी स्ट्रीट में मिलता है। आप जब भी आए मुल्तान तो इस शॉप पे आपको जो ओरिजिनल सोनम मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। तो हम भी ट्राई करते हैं, पहले हम भी ट्राई करते हैं। जी वेलकम व्यूवर्स, आपको बताया था कि मुल्तान है और अर्शी से मुलाकात ना हो ये हो नहीं सकता, हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है और आज फिर हम अरसलान के पास हैं। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर योर कमिंग नियाज साहब, वेलकम एज ऑलवेज, हाजिर हैं हमेशा आपके लिए। आज आप आए, हमने सारे काम छोड़ दिया। बस ऐसे ही है, आप बस काम छोड़ लिया करें हमारे लिए। जी व्यूअर्स, तो रात काफ़ी हो गई है, घूमते घूमते जो है काफ़ी हम लेट हो गए। उसके बाद जो है डॉक्टर साहब को छोड़ा है, गेस्ट जो जितने भी वो शादी पे आए हुए थे, तो अभी मैं भी थक गया हूँ। तो आई होप दैट कि आज आपने एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग। कोशिश थी कि चलें वो गेस्ट के बहाने आपको भी जो है कुछ नई चीज़ें जो हैं इंट्रोड्यूस करवाई, कुछ मुल्तान के बारे में नया दिखाया जो लग रहा था कि हम इस टाइम में आपको दिखा सकते हैं। तो एज़ यूजुअल, जिन दोस्तों ने व्यूवर्स ने अभी देखना शुरू किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है आपके फीडबैक से। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नए कंटेंट के साथ नए व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।